जी मैंने सर MSCI इंडेक्स में इंडिया का वेटेज बढ़ रहा है। 30 अगस्त से ये इफेक्टिव हो जाएगा। 19.2% से 19.8% वेटेज बढ़ जाएगा। इसके बाद 3 बिलियन डॉलर के आसपास FIIs का इन्फ्लो आने की बात चल रही है सर, जिसमें HDFC बैंक पर 1.5 बिलियन डॉलर का इन्फ्लो, इसके अलावा RBNL, आइडिया, डिक्सन टेक, ओरेकल फिनांस, ऐसे कई सारे काउंटर्स हैं जिनमें वेटेज बढ़ा है और इनमें इन्फ्लोज आने के चांसेस हैं। सर, सर आपका क्या व्यू बनता है MSCI इंडेक्स में वेटेज बढ़ने से? पहला तो HDFC बैंक कैसा परफॉर्म करेगा उनमें उसमें इन्फ्लोज आने के बाद, और दूसरा जो ये बाकी के काउंटर्स हैं उनमें आप कोई अच्छा लग रहा है सर, अगर पोजीशन बनानी हो अभी? देखिए एमएससीआई इंडेक्स और हिस्टोरिकली आप ये देखेंगे कि जो इंडेक्स की वेट इंडिया के ऊपर रहती है उससे कई मात्रा में ज्यादा ही इन्वेस्टमेंट, एक्चुअल एफआईआई इन्वेस्टमेंट जो आउटस्टैंडिंग किसी पॉइंट इन टाइम में आप देखोगे तो इट इज ऑलवेज ओवरवेट। इंडिया किसी भी फंड मैनेजर्स के एंड ग्लोबल फंड मैनेजर के पोर्टफोलियो में इंडिया हमेशा ओवरवेट रहा हुआ है। तो जो ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स के जो फंड मैनेजर होते हैं दे आर ऑलरेडी ओवरवेट, तो उनकी तरफ से तो फ्रेश फ्लोज आने की संभावना नहीं होती। बट कई सारे ETFs होती हैं, ETF किस्म की फंड्स होती हैं, पैसिव फंड्स होती हैं ग्लोबली, जो ट्रैक करती हैं इंडाइसेस को, वेट्स को, इंडेक्स की वेट्स को। तो आपने जो कहा जब MSCI में इंडिया का ओवरऑल वेट बढ़ता है तो कुछ स्टॉक्स के वेट्स जरूर बढ़ते हैं, उनमें इन तरह के पैसिव फ्लोस क्विकली आती है। बट एट सामने उनके सामने यू टिपिकली फाइंड कि काफी सारा सेलिंग भी होता है, तो इनकी तरफ से इनफ्लो आती है, सामने की तरफ से आपको मैचिंग फ्लोज भी आती है आउटफ्लो किस्म की। तो मेरा ये मानना है कि ये सस्टेनेबल नहीं रहता ये मूव। कई बार हमने देखा है कि जिस डेट से इंडेक्स इफेक्टिव होता है, जो वेट्स इफेक्टिव होता है, उसी दिन स्टॉक्स रिएक्ट कर लेते हैं या आसपास एक दो दिन में रिएक्ट कर लेते हैं, उसके बाद देर इज नो फर्दर मूवमेंट। तो ये सस्टेनेबल मूव नहीं रहती है। तो एज अ फंडामेंटल मार्केट ट्रैकर आपको ये जो पर्टिकुलर न्यूज होती है टिपिकली इग्नोर कर लेना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। इंडिया है, लाइक मैंने जैसे बताया ना, इंडिया जनरली ओवरवेट रहता है, कई सारी पोर्टफोलियो में इंडिया का स्टांस ओवरवेट स्टांस रहता है। कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी वर्कर आती है, जैसे आपने कहा HDFC बैंक है, ये केवल छोटा सा प्ले होता है बिकॉज वो एक FII का विंडो खुल जाता है उनके लिए एंड काफी एक्सचेंज होती है इन टर्म्स ऑफ फ्लोज। बट जैसे मैंने कहा एक दो दिन का ही इफेक्ट होता है। तो इस बेसिस पे कोई किसी इन्वेस्टमेंट स्टांस लेने की सलाह मैं नहीं दूं, मैं जी नहीं सर, करूंगा। आपको फंडामेंटली सब फॉलो करना है। मैंने स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन इस पर्टिकुलर शो में मैंने बताया था कि बैंकिंग सेक्टर के लिए आगे थोड़ा सा डायरेक्शन धीमा रहने वाला है क्योंकि निम कंप्रेशन विजिबल है, काफी निम कंप्रेशन इज गोइंग टू बी एविडेंट। ऊपर से डिपॉजिट रेजिंग चैलेंजेस है, फंड रिस्क, बैंकों का रिस्क जो एलिमेंट है वो उभर कर ज्यादा ऊपर आ रहा है, एंड अनसिक्योर्ड लेंडिंग पोर्टफोलियो बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी बढ़ी हुई है, जिसका नतीजा आगे चल के एनपीए से नजर आएगा, जिसका इफेक्ट थोड़ा बहुत निम में भी नजर आते हुए दिखेगा। तो मुझे लगता है कि जनरली स्पीकिंग कोई भी बैंक हो, अगर आपकी स्टांस ओवरवेट पोर्टफोलियो में तो थोड़ा सा आप बैकवर्ड जाएं, थोड़ा सा वेट कम कर लें। बैंकों के लिए ये अगला 1 साल विल नॉट बी वेरी गुड।